पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे, उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे एक बहुत ही इमोशनल लम्हा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे पंजाब के लिए। मैं अपने वड्डे वीर भगवंत मान साहब नो दिलों बधाइयां दिंदा हां, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मान साहब। और अज मैं यह गल खुल के कह सकता हां कि पंजाब दी आन बान ते शान साडा भगवंत मान, पंजाब दा अगला सीएम साडा भगवंत मान, साडा सीएम भगवंत मान। अब मैं मान साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू, कुछ यादगार लम्हे एक वीडियो के जरिए आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं वीडियो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को प्लीज प्ले करें। आम घर विच जम्मिया खूब मिलिया लोकां दा प्यार, उसे प्यार दा कर्ज उतारन लई राजनीति च रिहा दहार। जिला संगरूर दे पिंड सतौज दे एक आम जहे परिवार विच 12 अक्टूबर 1973 नूं माता हरपाल कौर अते पिता मास्टर महेंद्र सिंह दे घर जम्मे एक कलाकार, एक व्यंगकार, जिन्हां नूं लोकां दे प्यार ने शिखरां तक पहुंचाया, अज उन्हां दा कर्ज उतार रहे ने सत्ता दे गलियारे विच बण के लोकां दी आवाज़। भगवंत मान। भगवंत मान की जिंदगी पहले दिन तो ही आम लोगों के मुद्दों पर आधारित रही है। अपनी मेहनत के दम से कलाकारी के मंच तो शोहरत हासिल करने वाले भगवंत मान।